नमस्कार, हूँ धर्मेश गणात्रा। न्यूज फोकस में आपनु स्वागत करू छू। पहला जो ये हेडलाइंस, नवी दिल्ली में प्रधानमंत्री की खास उपस्थिति में योजाई सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक। बैठक में अमित शाह, लालकृष्ण अडवाणी, पीके लहरीए लीधो भाग। ट्रस्ट द्वारा चलता विकास कामों की कराई समीक्षा। सूरतना पलसाणा नजीकना वरेली में झेरी प्रवाही पीवाथी 15 व्यक्तिना थयेला शंकास्पद मौत मामले उच्च कक्षानी तपास समितिनी रचनानी मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणीए करी जाहेरात। गृह विभागे वीएम पारघीना वडपण हेठळ 3 सभ्योनी समितिनी करी रचना। आजे जीपीएससी द्वारा गुजरात सरकारनी वर्ग 1 अने वर्ग 2नी 460 जग्याओ माटे लेवाई मेन्सनी परीक्षा। समग्र राज्यमांथी 10,383 उमेदवारों माटे 47 केन्द्रों पर व्यवस्था। आवतीकाले अने 18 सप्टेम्बरे पण अन्य 6 पेपर्स माटे लेवाशे परीक्षा। सरकारी नौकरी में भर्ती नियमित 2 वर्षे निश्चित समय सारणी मुजब करवानी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की जाहरात बाद जीपीएससी पण केळवी रह्यु छे सज्जता। परीक्षालक्षी माहिती माटे मोबाइल एप्लिकेशन थई लॉन्च। मौखिक मुलाकात में भ्रष्टाचार डामवा माटेनी ड्रॉ सिस्टम थी नौकरी वाँचुओ पण खुशखुशाल। प्रधानमंत्री रोजगार सर्जन कार्यक्रम लाभ द्वारा वडोदराना नाना मानवीनी विराट सफलता। नाना पाये शुरू करेला उद्योग ने राष्ट्रीय कक्षाए पहुंचाड़ी करोड़ों टर्नओवर साथ 200 उपरांत ने रामप्रकाश आपी रहा है रोजगारी। प्रधानमंत्री हस्ते एमएसएमई राष्ट्रीय एवॉर्ड द्वारा थशे कामनी कदर। सुप्रसिद्ध यात्राधाम अंबाजी में भादरवी पूनमना मेला रंगे चंगे थयो आरंभ। पगपाला भक्तों माई मंदिरे पहुंची ध्वजा अर्पण करी अनुभवे छे धन्यता। 6 बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड, 12 वॉच टावर सहित कड़क सुरक्षा व्यवस्था गोठवाई होवानुं जणावता गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा। विघ्नहर्ता देवना गणेश उत्सवनी गुजरात भरमां धूम। मुख्यमंत्री पण गणेश पूजामां मग्न। पर्यावरण, कोमी एकता सहितनी विविध थीम साथे कराई रही छे गणपति पूजा। अगले बरस तू जल्दी आना नारा साथे ठेर ठेर थई रह्या छे विसर्जनो। जाकिर नाइक पासेथी फाळो लेवा बदल कांग्रेसनी सखत शब्दोमां झाटकणी काढतो भाजप। 2011 इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पासेथी राजीव गांधी फाउंडेशन ने दान में मळेला 50 लाख रुपया पर उठाव्यो सवाल। समाचार विगतवार। राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2011 इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पासेथी दान मेळववा अंगे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसादे कांग्रेस पर प्रहार कर्यो छे। तेमणे जणाव्यू के जाकिर नाइकना इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशने राजीव गांधी फाउंडेशन ने 50 लाख रुपया आप्या हता। तेमणे राजीव गांधी फाउंडेशनना चेयरमैन सोनिया गांधी सहितना सभ्यों पर सवाल उठावता कहूं कि राजीव गांधी फाउंडेशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेग्युलेशन एक्ट 1976 अंतर्गत नोंधायेल छे अने जो नोंधायेल होय तो तेओ प्रत्यक्ष रीते पैसा केम नथी लेता। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसादे कहूं कि तत्कालीन माहिती और प्रसारण मंत्रीए लोकसभा में 4 डिसेम्बर 2012 ना दिवसे पीस टीवी ने देश की शांति माटे खतरारूप गणावी थी तो शा माटे कांग्रेसे जाकिरना फाउंडेशन ने 50 लाख रुपया परत आप्या नहोता। 50 लाख रुपये दिए थे राजीव गांधी फाउंडेशन को, ये 2011 में दिए गए। राजीव गांधी फाउंडेशन के चेयरपर्सन कौन है? श्रीमती सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी मेंबर है, मंटेक सिंह अहलुवालिया, पी चिदम्बरम, राहुल गांधी, सुमन दुबे, एमएस स्वामीनाथन, प्रियंका गांधी वाड्रा और बाकी अशोक गांगुली, कृष्णमूर्ति वगैरह हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन ये बताए कि क्या वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 में रजिस्टर्ड है, और अगर है तो क्या उसे इस बात का अधिकार है कि वो स्वयं ही बाहर से पैसा नहीं ले सकता किसी से, बल्कि कोई एनजीओ को बाहर से पैसा मिलता है तो उससे भी पैसा ले सकता है। केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश ना विकास माटे विशेष पैकेज आपवानु जाहिर कर्या बाद आजे आंध्र प्रदेश भाजपना प्रतिनिधिमंडळे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मळी आभार व्यक्त कर्यो हतो। आंध्र प्रदेश बीजेपीना प्रभारी सिद्धार्थनाथ सिंह अने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर के हरिलालनी आगेवानी हेठळ प्रतिनिधिमंडळे प्रधानमंत्रीनी मुलाकात लीधी हती। भाजपना नेताओंनी मुलाकात दरमियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए आंध्र प्रदेशना विकास माटे असीम तको रहेली छे तेम जणावी राज्यना विकास माटे सौ साथे मळीने काम करवानी प्रतिबद्धता व्यक्त करी हती। केन्द्रीय माहिती अने प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडूए जणाव्युं हतुं के केन्द्र सरकारे आंध्र प्रदेशना विकास माटे पूरतुं योगदान आप्युं छे।
सोमनाथ ट्रस्टनी आज नवी दिल्ली खाते प्रधानमंत्री सत्तावार निवास स्थान 7 RCR खाते बैठक मिली थी। आ बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा वरिष्ठ नेता लालकृष्ण अडवाणी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और गुजरात पूर्व मुख्य सचिव पी के लहरी हाजर रहा था। बैठक में सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा चालता विविध कार्यों, स्टाफ, डॉर्मेटरी, पार्किंग सहित आवक जावक नो हिसाब जेवा विविध मुद्दे चर्चा करवामां आवी होवाना अहेवाल छे। सूरतना पलसाणा नजीकना वरेली में झेरी प्रवाही पीवाथी 15 व्यक्ति शंकास्पद मौत मामले मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणीए उच्च कक्षा की तपास की जाहरात करी छे। एक धार्मिक कार्यक्रम में हाजरी आपवा वडोदरा गयेला श्री रूपाणीए करेली जाहरातना पगले गृह विभाग द्वारा वीएम पारघीना वडपण हेठ त्रण सभ्यों की समिति की रचना करवामां आवी छे, जे स्थल पर जई तपास करी सरकार ने रिपोर्ट सौंपशे। रिपोर्ट आवी रह्यो छे, एना संदर्भ में पाकी हकीकत सरकार ध्यान में लेवा माटे एक उच्च कक्षा त्रण अधिकारीओ ने टीम नियमी छे। ए त्रणेय लोग स्थल पर जई अने पाकी विगतो अने फोरेन्सिक पण छे, एमां पोलीस अधिकारीओ पण छे, अने जे काही घटना घटी छे एनुं तारण मळशे अने ए अंगे सरकार पगला लेशे। गुजरात पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा आज जीपीएससी की मुख्य परीक्षा योजवामां आवी हती। राज्य सरकार में वर्ग एक और वर्ग बे ना अधिकारीओ माटे आ परीक्षा लेवामां आवे छे। वर्ग एक और बे नी 460 जग्याओ माटे समग्र राज्य में 10,383 जेटला उमेदवारोए परीक्षा आपी हती। पुलिसना चुस्त बंदोबस्त वच्चे अमदावादना 47 केन्द्रों पर परीक्षा लेवामां आवी छे। मुख्य परीक्षा में पारदर्शिता जाळवा माटे जीपीएससी द्वारा सीसीटीवी कैमरा पण लगाववामां आव्या छे। तारीख 11 અને 18 સપ્ટેમ્બરે પણ મુખ્ય પરીક્ષાના 6 પેપર લેવામાં આવશે। જીપીએસસીના ચેરમેન દિનેશ દાસાએ નોકરી વાંચુ ઉમેદવારોને સફળતાની શુભેચ્છા પાઠવી છે। મારા અંતઃકરણપૂર્વકની શુભેચ્છા આપું અને સાથે એક પૂરી ખાતરી અને વિશ્વાસ સાથે કે જે વિદ્યાર્થીનો પરફોર્મન્સ હશે, જે વિદ્યાર્થી મેરિટમાં હશે, એમને ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ એમની પસંદગી કોઈ અટકાવી નહીં શકે એવો એક ભરોસો, વિશ્વાસ અને માત્ર ને માત્ર પોતાની મહેનત અને પોતાની આવડત પર ભરોસો રાખે અને બાકી કોઈ જેને અનએથિકલ વેઝ જે કહેવાય છે એ અખત્યાર કરવાનો પ્રયત્ન ન કરે, એટલી મારી વાત સાથે આ તમામ ઉમેદવારોને હું મારી શુભેચ્છા આપું છું। ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગની પરીક્ષા હવે દર 2 વર્ષે થવાની જાહેરાત સાથે જ આયોગ પરીક્ષા પદ્ધતિમાં પણ મોટા ફેરફાર કરી રહ્યું છે। संपूर्ण पारदर्शिता लावा अने व्यावसायिक परीक्षाओं में सुचारू वहीवटनी प्रक्रिया साथे आयोग आमूल परिवर्तन लावशे। केवी रीते थशे आ परीक्षाओ जोईए अहेवाल में। सरकारनी स्पर्धात्मक परीक्षाओनी व्यवस्था एकदम लचर अने वहीवट एटले बिल्कुल रेढ़ियाळ, आवी छाप तमारा मन में होय ते स्वाभाविक छे। परंतु हवे व्यवस्था परिवर्तन अने आमूल फेरफारथी गुजरात जाहेर सेवा आयोग जीपीएससी उभी थयेली छापने एक दुस्वप्न बनावशे। गुजरातना मुख्यमंत्री विजय रूपाणीए राज्यना लाखों युवकों ने सरकारी रोजगार माटे लेवाती परीक्षाओनी समयावधि नियमित रीते 2 वर्ष करवानी जाहेरात कर्या पछी आयोगे पण टेक्नोलॉजीना उपयोगथी युवाओने माहितगार करवा कमर कसी छे। युवाओ मोबाइल एप्लिकेशनना माध्यमथी परीक्षा लक्षी माहिती मेळवी शकशे। मोबाइल एप्लिकेशनना माध्यमथी युवानोमां जीपीएससी, जीपीएससीनी परीक्षाओ अने एनी कारकिर्दी एना विषयनुं मार्गदर्शन मळे एना माटे आयोगे आयोजन कर्युं छे। तद उपरांत अत्यारे जे आपणे परीक्षा लई रह्या छे पेपर एंड पेन्सिल मोडथी, एटले के ओएमआर आंसर शीट पद्धतिथी परीक्षा लई रह्या छे। आयोगना नवा भवननी अंदर लगभग 800 जेटली कम्प्यूटर पर परीक्षा लई शकाय एवी बैठक व्यवस्था उभी करी छे, एटले आवनारा दिवसोमां आ पेपर एंड पेन्सिल मोडथी आयोग सीबीआरटी एटले के कम्प्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट तरफ प्रयाण करी रह्यो छे। जे परीक्षाओ जाहेर थया पछी 6 महीने के वर्षे लेवाती अने मौखिक इंटरव्यू थवामां पण थता ठागाठैयाने कायमी जाकारो तो मळशे ज, સાથોસાથ મૌખિક મુલાકાતમાં પણ આચરવામાં આવતા કહેવાતા ભ્રષ્ટાચારને ડામવા મુલાકાતી અને પેનલ વચ્ચે પણ ડ્રો સિસ્ટમથી મુલાકાત ગોઠવાશે। પૂર્ણ રૂપની પારદર્શિતા સાથે થયેલા ઇન્ટરવ્યુના 50% માર્ક્સ પણ લેખિત પરીક્ષા સાથે જોડવામાં આવશે। નોકરી વાંચુ યુવા પણ નિયત કાર્યક્રમની રૂપરેખા મળવાથી આનંદિત છે। પહેલે જે એક્ઝામ લેવાતી લાસ્ટ ટાઈમ 2006 માં જે જીપીએસસી એક્ઝામ બહાર પડી હતી
એમાં કોઈ નક્કી નહોતું કે કેટલા વર્ષે એક્ઝામ પૂરી થઈ. લાસ્ટ ટાઈમનો એક્ઝામ છે 5 વર્ષ પૂરી થઈ હતી એક્ઝામ, અને જે હાલ એક્ઝામ લેવાઈ રહી છે એ જે એની પ્રોસેસ બહુ સ્પીડથી ચાલી રહી છે, જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓને સારું રહેશે અને ટાઈમ પણ એનો બચી જશે. ગુજરાત સરકારની સનદી સેવાઓને ઉજ્જવળ બનાવવા અને ઉચ્ચ કેળવણી અને તાલીમથી રાજ્યનું ભવિષ્ય તૈયાર કરતા સ્પીપા સેન્ટર પણ વિદ્યાર્થીઓને જુદા જુદા વિષયોના ગહન અભ્યાસ અને માર્ગદર્શનથી તેમની કારકિર્દીને વધુ ઉચ્ચ બનાવવા મથી રહ્યું છે. ત્યારે સરકારની જાહેર સેવા આયોગની પરીક્ષાઓની માર્ગદર્શિકા તાલીમી સંસ્થાઓ અને વિદ્યાર્થીઓ માટે આશીર્વચનરૂપ સાબિત થશે. દૂરદર્શન સમાચાર માટે જયસુખ શિયાણીનો અહેવાલ. દેશના ગ્રામીણ અને શહેરી ક્ષેત્રમાં રોજગારીની તકો ઊભી કરવા માટે નવા ઔદ્યોગિક એકમોની સ્થાપનાના હેતુથી સબસિડી સાથે જોડાયેલો કાર્યક્રમ એટલે પ્રધાનમંત્રી રોજગાર સર્જન કાર્યક્રમ. આ કાર્યક્રમનો લાભ લઈ વડોદરાના રામપ્રકાશ ઉપાધ્યાયે એક નાના ઔદ્યોગિક એકમની શરૂઆત કરી ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે નામના મેળવી છે. જોઈએ ખાસ રિપોર્ટ. એક સમય હતો જ્યારે લોકો પાસે નવીનતમ પ્રકારના ધંધાનો વિચાર અને આવડત હોય અને મહેનત કરવાની તૈયારી પણ હોય, પરંતુ પૂરતી મૂડીના અભાવે ધંધાનો જોઈએ તેટલો વિકાસ થઈ શકતો ન હતો. પરંતુ કેન્દ્ર સરકારના સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા અને સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયા જેવા કાર્યક્રમો દ્વારા નવા ઉદ્યોગ સાહસિકો પોતાના ઉદ્યોગ ધંધામાં સફળ થઈ રહ્યા છે, ત્યારે આવા જ એક ઉદ્યોગ સાહસિક છે વડોદરાના રામપ્રકાશ ઉપાધ્યાય. રામપ્રકાશ ઉપાધ્યાયે પોતાના ભાગીદાર સાથે જીઓન એન્જિનિયરિંગ વર્કર્સ નામની કંપની શરૂ કરી, જેમાં તેઓ બોઇલરના પાર્ટ્સ બનાવી દેશભરમાં નામના મેળવી રહ્યા છે, જેનાથી LNG અને IOCL જેવી કંપનીઓ તેમની પાસેથી પાર્ટ ખરીદતી થઈ. ઓર સેન્ટ્રલ બેંક કી વજહ સે જો અમને લોન લિયા વો અમને પૂરા પૂરા કા પૂરા ભરપાઈ કિયા ઓર જો 25 લાખ સે પહેલે એક કંપની થી અબ હમ લોગો ને ઉસકો બડા કે 3 કંપની મે કર લિયા. એક જિયોન ઇન્જિનિયરિંગ વર્ક્સ કરકે જો કે કેવલ પ્રેશર પાર્ટ બનાતી હે, વડોદરા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એજન્સીસ કે નામ સે જો કે કેવલ નોન પ્રેશર પાર્ટ બનાતી હે, ઓર વડોદરા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સર્વિસેસ હે જો કે સર્વિસેસ બોઇલર કા સર્વિસેસ કરતી હે, સર્વિસ પ્રોવાઇડ કરતી હે. મહત્વનું છે કે રામપ્રકાશ ઉપાધ્યાય પ્રધાનમંત્રી રોજગાર સર્જન યોજનામાંથી રૂપિયા 25 લાખની લોન લઈ પોતાનો કારોબાર શરૂ કર્યો અને સમય મર્યાદામાં લોન ભરી ઉદ્યોગને વિકસાવ્યો. તો સારા પ્રદર્શન બદલ સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ કંપનીને લોન આપતા એક યુનિટ કંપનીમાં પરિવર્તિત થઈ. અમને PMEG કે તરફે અમને 25 લાખ કા લોન લિયા હતા ઓર ઉસસે અમને અમારી મશીનરી ખરીદી ઓર હમને અપના પૈસા થોડા લગા કે હમને એક સેટઅપ બનાયા જિસસે જો બોઇલર કા કામ કરતે હૈ હમ લોગ સપ્લાઈ કરતે હૈ કર્મેક લિમિટેડ કો LNT લિમિટેડ કો. આજે આ કંપનીમાં 216 જેટલા કર્મચારીઓની ટીમ બની છે. કંપનીમાં કામની સાથોસાથ દિવ્યાંગોને રોજગાર, ફ્રેશર્સને ટ્રેનિંગ, સ્વચ્છતા અને પર્યાવરણ ઉપર પણ ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. કંપનીએ ગત વર્ષે 8 કરોડનું ટર્નઓવર કરતા કંપનીને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે એવોર્ડ એનાયત કરાશે, જેથી હાલ કંપનીના કર્મચારીઓમાં આનંદનો માહોલ છે. દૂરદર્શન સમાચાર માટે વડોદરાથી ભરત વણકરનો અહેવાલ. ગુજરાતમાં આવેલા વિશ્વ પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજીમાં આજથી જગત જનની આદ્યશક્તિ અંબાજી મંદિર ખાતે ભાદરવી પૂનમના મેળાનો રંગેચંગે પ્રારંભ થયો છે. આજે વિધિવત રીતે જિલ્લા કલેક્ટર જેનુ દેવન અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની ઉપસ્થિતિમાં મેળાનો શુભારંભ કરાવવામાં આવ્યો હતો. રાજ્ય સરકારની વિવિધ યોજનાને લગતા પ્રદર્શનને પણ કલેક્ટર દ્વારા ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું. બોલમાળી અંબે જય જય અંબેના નાદથી અંબાજી તરફના માર્ગો ગુંજી ઉઠ્યા છે. અમદાવાદના વ્યાસવાડી પગપાળા યાત્રા સંઘ દ્વારા મંદિર પર 52 ગજની ધજા ચઢાવવામાં આવી હતી. દેશભરમાંથી આવતા લાખો શ્રદ્ધાળુઓની સુરક્ષા માટે રાજ્ય પોલીસ દળ દ્વારા સઘન સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે, તેમ ગૃહ રાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું. રેન્જ બોર્ડર કચ્છના IG એની સુપરવિઝન હેઠળ એક DSP, 12 જેટલા DYSP, 43 PI, 125 જેટલા PSI, ઉપરાંત 2000 જેટલા પોલીસ
118 ट्राफिक ना जवानों, 272 महिला अने 2500 जेटला होमगार्ड उपरांत 500 जेटला जीआरडी ना जवानों, एना सहित 6 जेटली स्नीफर डॉग नी टीम, बीडीडीएस नी 6 टीम अने 14 जेटला वॉच टावर एम समग्र व्यवस्था में पोलिस तंत्र ए आ मेला नी शुरुआत थी मेला नी पूर्णाहुति सुधी 24 कलाक आ फरज नी अंदर संकळायेलू छे अने उत्तम प्रकार नी फरजो निभावता होय छे। हाल गुजरात सहित देशभर में गणेशोत्सव धामधूम पूर्वक उजववामां आवी रह्यो छे। दुंदाळा देवनी पूजा अर्चना में भक्तों लीन थया छे, तो राज्यना केटलाक स्थळोए 5 दिवसना स्थापन बाद बापा ने विदाय आपवामां आवी हती। ढोल नगारा तथा अबिल गुलालनी छोड़ो वच्चे सुख करता दुख हरता ने भक्तोए भाव विभोर विदाय आपी हती। जोईए खास अहेवाल। राज्यमां गणेशोत्सवनी रंगे चंगे उजवणी थई रही छे। समग्र राज्य जाणे के विघ्नहर्ताना रंगमां रंगाई गयुं होय एवुं लागी रह्युं छे। त्यारे मुख्यमंत्री विजय रूपाणीए वडोदरामां संख्याबंध गणेश पंडालोनी मुलाकात लीधी हती। मुख्यमंत्रीए श्रीजीनी पूजा अर्चना करी गुजरातना लोकोनी सुख समृद्धि वधे तेवी प्रार्थना बाप्पाने करी हती। आ साथे शुक्रवारे रात्रे अमदावादना श्यामल चारस्ता खाते आवेला श्यामलना राजाना दर्शन करी महाआरतीनो लाभ लीधो हतो। देवभूमि द्वारका जिल्लामां अनेक स्थळे विविध थीम साथे गजानन गणपतिनी स्थापना कराई छे। त्यारे खंभाड़िया खाते पठाणपाड़ा विस्तारमां मस्जिदनी पासे ज गणेश पंडाल बनाववामां आव्यो छे। अहीं हिंदू मुस्लिम बिरादरो एक साथे मळीने गणेशजीनुं पूजन अर्चन करता गणेशोत्सवमां कोमी एकतानो अनोखो संगम जोवा मळी रह्यो छे। गोधराना भोईवाड़ामां आवेला एकदंत युवक मंडळे वृक्ष बचावो वृक्ष वावो अने वृक्ष एज जीवन ना संदेश साथे अहीं गणपतिनी स्थापना करी छे। पर्यावरण बचाववानी थीम पर लाकड़ाना वेर अने वांस सहित कुदरती वस्तुओंथी श्रीजीनी मूर्ति बनावाई छे। भक्तो पण बाप्पाना दर्शन करी पर्यावरण बचाववानो संकल्प लई रह्या छे। भारतभरमां गणेशजीना अनेक मंदिरो आवेला छे, परंतु जमणी सूंढना गणपति अने रिद्धि सिद्धि साथेना पाघड़ीवाड़ा गणेशजीना जूज मंदिरो जोवा मळता होय छे। त्यारे आवुं ज एक मंदिर तापी जिल्लाना वालोड खाते आवेल छे। पौराणिक पेशवा राजाना समयना रिद्धि सिद्धि साथेना गणेश मंदिर प्रत्ये लोकोने भारे श्रद्धा छे। आ साथे गोधरा शहेरमां रविवारे परंपरागत रूट परथी गणेश विसर्जन यात्रा निकळशे। आ यात्रामां 135थी वधु गणेश मंडळो जोडाशे। त्यारे गणेश विसर्जन यात्रा शांतिपूर्ण माहौलमां पूर्ण थाय तेने लईने शहेरमां पोलीस उपरांत एसआरपी बॉर्डर विंग सहितनी टुकड़ीओ खड़े पगे रहेशे, तेमज सीसीटीवी कैमरा व्रज अने नेत्र जेवा साधनोथी समग्र विसर्जन यात्रा पर चांपती नजर राखशे। आ विसर्जन यात्रा गोधराना विश्वकर्मा चौकथी शुरू थशे अने शहेरना विविध मार्गो उपरथी पसार थईने लगभग 3 किलोमीटर जेटलो एनो रूट छे अने ए रामसागर तळाव खाते ए विसर्जित थशे। आम आ यात्राने शांतिपूर्ण संपन्न करवा माटे पोलीस विभाग द्वारा अने वहीवटी तंत्र द्वारा पूरती तकेदारी राखवामां आवी छे। केन्द्र शासित प्रदेश दमण में 5 दिवस स्थापन बाद हर्षोल्लास साथ गणेश विसर्जन माटे मोटी संख्या में बाप्पाना भक्तों दरिया कांठे उमटा था। 5 दिवस पूजन अर्चन बाद नानी दमणनी जेट्टी पर विघ्नहर्ता ने विदाय आपवामां आवी हती। आ साथ गीर सोमनाथ वड़ा मथक वेरावल और पोरबंदर खाते भव्य गणेश विसर्जन कार्यक्रमों योजाया था। चौपाटी पर उछड़ता मोजा वच्चे गणेश विसर्जन माटे हजारों की जनमेदनी दरिया कांठे उमटी पड़ी थी। आ प्रसंगे फायर फाइटर एम्ब्युलेंस लाइफ जैकेट साथे तरवैया अने रेस्क्यू टीम सतत खड़े पगे रही थी। जिल्लानी अंदाजे नानी मोटी 500 थी वधु गणेश प्रतिमाओनू तोफानी समुद्र में विसर्जन थयुं हतुं। ढोल नगाराना ताले अने अबिल गुलालनी छोड़ो वच्चे गणपति बाप्पानी प्रतिमाओने अगले बरसतू जल्दी आना नाद साथे समुद्र में पधरावामां आवी हती। आ प्रसंगे श्रीजीना भक्तो भाव विभोर बन्या हता। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार। 10 सप्टेम्बर एटले विश्व आत्महत्या निवारण दिवस। वर्तमान समय में घटती जती सहनशक्ति अथवा निष्फळता ने लीधे जीवन थी नासीपास थईने लोको आत्महत्या जेवा पगला भरवा प्रेराय छे।
दिन प्रतिदिन आत्महत्या की संख्या में थतो वधारो दुनियाभर में घनी मोटी चिंता की बाबत है। त्यारे भूज खाते ओम फाउंडेशन और जिला शिक्षणाधिकारी कचेरी द्वारा रैली आयोजन कर आ रैली द्वारा आत्महत्या अटकाववा माटे जागृति फैलावतो संदेशो आपवामां आव्यो हतो, तेमज कोईपण परिस्थितिनो हिम्मतपूर्वक सामनो करवा माटे समज आपवामां आवी हती। आ रैली शहेरना विविध विस्तारोमां फरी हती। संस्थाना आगेवानो अने शिक्षकों द्वारा बाळकोने आत्महत्या न करवा माटे पण समज आपवामां आवी हती। भारतीय क्रिकेट टीम में स्थान प्राप्त करने माटे अति महत्वपूर्ण एवी रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट नु नाम जेमना परथी राखवामां आव्यु छे तेवा जामनगरना राजवी जाम रणजीत सिंहनी आजे 145मी जन्मजयंतीनी जामनगर खाते उजवणी करवामां आवी हती। जामनगरना मेयर प्रतिभाबेन कनखरा सहित क्रिकेट प्रेमीओ द्वारा जाम रणजीत सिंहनी पूर्ण कदनी प्रतिमाने पुष्पांजलि अर्पण करवामां आवी हती, जे प्रजावत्सल राजवी रणजीत सिंहजी प्रत्येनो प्रेम अने प्रजानो राजा प्रत्येनो आदर साबित करे छे। राजवी अने सफल क्रिकेटर एवा जाम रणजीत सिंहजी ने क्रिकेट जगत में प्रिंसी रणजी थी ओळखवामां आवे छे। क्रिकेट नी रमत में लेग ग्लांस शॉट नी अमूल्य भेट पण तेमणे ज आभारी छे। क्रिकेट नी रमत में तेमणे अनेक कीर्तिमानो स्थापित कर्या छे। आ प्रसंगे जामनगर महानगरपालिकाना कोर्पोरेटर अधिकारीओ सहित मोटी संख्या में क्रिकेट प्रेमीओ उपस्थित रह्या हता। आज एटलो मोटो योगदान जाम रणजी ए भारत ने आप्यु छे। અને હવે તો નવા નવા ક્રિકેટો આટલું રમાય છે, આટલું ક્રિકેટ પોપ્યુલર થયું છે, આટલું પણ હું આ પ્રસંગે આજે એમની જન્મતિથી છે તો શુભકામના તો એમને નહીં આપું પણ એમના આશીર્વાદ લેવા ઈચ્છું છું। રણજીતસિંહ રાયની 145મી જન્મજયંતિ છે, તે નિમિત્તે અમે જામનગર મહાનગરપાલિકા તરફથી 5 પદાધિકારી અને અમારા સભ્યશ્રીઓ સાથે મળીને ફૂલહાર કરેલ છે। गांधीनगर खाते आज गुजराती भाषा साहित्यकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित डॉक्टर रघुवीर चौधरी राज्यपाल ओपी कोहली द्वारा कंकु तिलक थी सम्मान करायु हतु। आ प्रसंगे राज्यपाले जणाव्यू के खेती करता माटीना माणस एवा रघुवीर चौधरीए खूब ज साहित्यिक खेती करीने समाज अने गुजराती भाषा ने घणु प्रदान कर्यु छे। तेमनु व्यक्तित्व आकाशी नहीं पण जमीनी छे। डॉक्टर रघुवीर चौधरीए पोतानी आगवी शैली में प्रवचन आपता जणाव्यू के आजना समय में मोटा भागना वालीओने पोताना बाळकोने मातृभाषा में भणावू गमतू नथी, पण हूँ जो गुजराती भाषा में न भण्यो होत तो हूँ साहित्यकार न बनी शक्यो होत, तेमज ज्ञानपीठ अवॉर्ड मारा सहित 4 गुजराती साहित्यकारोने न मळी शक्यो होत। गीर सोमनाथना तलाला तालुकाना सांगोद्रा गाम खाते आवेली हिरण नदी में गत 1 सप्टेम्बरना रोज सिंहणनो मृतदेह तरती हालत में मळी आव्यो हतो। वन विभाग द्वारा सिंहणना मृतदेहनो पीएम रिपोर्ट काढवामां आव्यो हतो। सिंहणनु मौत कुदरती रीते नहीं पण वीज करंटथी निपजू छे तेवुं पीएम रिपोर्ट में बहार आवता वन विभागना अधिकारीओ अने सिंह प्रेमीओ चौंकी उठ्या छे। एटलू ज नहीं परंतु सिंहणना पीएम रिपोर्ट में खुलासो थयो छे के मृत सिंहणना पेट में 2 बाळ सिंहनुं पण मौत निपजू छे। समग्र गीर पंथक में वन विभाग अने पीजीवीसीएल नी टीम द्वारा आरोपीओनी धरपकड़ करवा माटे तपास हाथ धरवामां आवी रही छे। पीएम करवा माटे तेमने सासण एनिमल केर सेंटर खाते लई आवता आ मृत सिंहणनुं मृत्यु इलेक्ट्रोडर नोकियस थी थयेल होवानुं जाणवा मळेल छे। જોતા લાગે કે ક્યાંય પણ બીજી જગ્યાએ મળી મરી ગયો હોય સિંહણ અને ત્યાંથી ઉચકીને ફરી આવી
सोशियल मीडिया में आज कई खबर रही चर्चा में क्या समाचारों ने लोग वधु पसंद कर रहा है। ट्विटर यूट्यूब पर हाल नो ट्रेंड शू चालू रहो छे, नजर करिए सोशियल मीडिया की हालचाल ने रजू करता आ अहेवाल पर। બ્રાઝિલના કેપિટલ રિયોમાં ચાલી રહેલા પેરાલિમ્પિકમાં આપણા રમતવીરો દેશનું નામ રોશન કરી રહ્યા છે। ઊંચી કૂદમાં મરિયપ્પન થંગાવેલુએ સુવર્ણ પદક અને વરુણસિંહ ભાટીએ કાંસ્ય પદક જીત્યો હતો। ત્યારબાદ પ્રધાનમંત્રી મોદી, રમતગમત મંત્રી વિજય ગોયલ, અમિતાભ બચ્ચન, વીરેન્દ્ર સહેવાગ સહિત લાખો ભારતીયોએ ટ્વિટર પર આ પેરા એથ્લીટ્સને શુભેચ્છા પાઠવી તો હેશટેગ પેરાલિમ્પિક્સ ટ્રેન્ડ થયું હતું। मुंबईनी मुलाकात दरमियान केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया मुंबई पोर्ट की खास मुलाकात लीधी थी। पोर्ट की कार्यवाही की समीक्षा करने उपरांत जवाहर द्वीप और पीरपाव खाते लिक्विड कार्गो परीक्षण करू। मुंबईनी आ मुलाकात की तस्वीरों मनसुख भाई ट्वीट कर शेयर की थी। 10 सप्टेम्बर नो दिवस विश्वभर में आत्महत्या निवारण दिवस तरीके उजवाय छे। फेसबुक पर आज आत्महत्या निवारण ना प्रेरणादायी संदेशाओ फर्या हता, तो हैशटैग वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ट्रेंड थयो हतो। त्यारे फेसबुक पर शेयर थयेलो आ एक अद्भुत वीडियो अमारी नजरे चढ़ो। आई लव यू एंड आई एम डन। ગઈકાલે રિલીઝ થયેલી ગુજરાતી ફિલ્મ રોંગ સાઇડ રાજુનું સોંગ ગોરી રાધા ને કાળો કાન યુટ્યુબ પર ટ્રેન્ડ થઈ રહ્યું છે। જાણીતા લોક ગાયક કીર્તિદાન ગઢવીએ ગાયેલું આ ગીત હિન્દી ફિલ્મોના પ્રસિદ્ધ ગુજરાતી કમ્પોઝર સચિન જીગરે કમ્પોઝ કર્યું છે। સોશિયલ મીડિયા ડેસ્કથી ઋષિકુમાર પંડ્યાનો રિપોર્ટ, દૂરદર્શન સમાચાર, અમદાવાદ। અને હવે એક નજર આજના હવામાન પર। આ સાથે જ આજનું ન્યૂઝ ફોકસ અહીં સમાપ્ત કરીએ છીએ। નમસ્કાર।